नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइफ में। मैं आपके साथ कोमल। पिछले कुछ वक्त में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कुछ राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग वैसे तो संवैधानिक संस्था है जो ऑटोनॉमस है, लेकिन इसके बावजूद इस पर सवाल उठाए गए हैं। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ये फैसला अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में भी प्रभावी होगा। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर दायर याचिका की सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने की है। इसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार शामिल हैं। पीठ ने फैसला दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल करेगा। ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पहले सिर्फ केंद्र सरकार करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये प्रक्रिया बदल गई है। कोर्ट ने आदेश में साफ कहा है कि ये प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून को लेकर अपनी टिप्पणी भी दी है। इसमें कोर्ट का कहना है कि चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति की ओर से की जाती है। आमतौर पर केंद्र सरकार की सिफारिश को ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। यही कारण है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े होते रहे। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक के लिए होता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।